एडीजी जोन अखिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन तमंचा अभियान पर बोलते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि अब तक महानगर में 9 लोगों को ऑपरेशन तमंचा के तहत गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 315 बोर के 6 तथा 332 बोर के 2 तथा 9 एमएम का एक पिस्टल बरामद किया जा चुका है। एसपी सिटी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास अवैध तमंचा रखे जाने की सूचना हो तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी। एसपी सिटी ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा रात्रि में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, देखिए ऑपरेशन तमंचा में अब तक कुल 9 अभियुक्त पंजीकृत हुए हैं और 9 व्यक्तियों को उनमें गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 315 बोर की 6, 32 बोर की 2 और 9 एमएम की 1 ये बरामद किए गए हैं। वर्षक सर, अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं। देखिए इसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई सूचना ऐसी मिलती है तो वो हमें बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन चक्रवात भी चलाया जा रहा है, प्रतिदिन शाम को चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान आपराधिक दृष्टिकोण से, तो उसके अंतर्गत भी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर भी हम मुकदमा लिख के कार्रवाई करते हैं। अभियान ये शाम के समय जो चेकिंग अभियान है उसी समय चलाया जाता है।